सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए IBPS की एक और बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने बैंकों में बम्पर भर्ती के लिए नोटिस जारी किया है, जिसके तहत वे ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ऑफिस असिस्टेंट के 7000 से ज़्यादा खाली पदों को भरने जा रहे हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उन सब कैंडिडेट्स के लिए एक सुनहरा अवसर है जो लंबे समय से बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते थे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज, कौन सी पोस्ट के लिए निकली है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हो, कितनी सैलरी आपको सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद प्रोवाइड की जाएगी, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है जिसके तहत आपका चयन किया जाएगा, क्या डेट है जिससे पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आवेदन कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS के अंदर ये भर्ती निकली है, जहां पर पोस्ट का नाम है ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 3288 खाली पद है और पोस्ट दूसरी पोस्ट है ऑफिसर स्केल फर्स्ट यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, इनकी पोस्ट के लिए यहाँ पर 2982 खाली पद है। ऑफिसर स्केल सेकंड यानी कि मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पर 974 खाली पद है। ऑफिसर स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए 157 खाली पद हैं। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 7401 खाली पद हैं जिन पर आप सभी कैंडिडेट्स बेझिझक आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट डिग्री या फिर BE की डिग्री या फिर BTEC की डिग्री या फिर LLB या फिर CA या फिर MBA की डिग्री का होना जरूरी है किसी वेल रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। एज यहाँ पर आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है, जिसकी कैलकुलेशन 1 जून 2019 से की जाएगी। सैलरी की अगर वहीं पर बात की जाए तो आकर्षक सैलरी पैकेज के रूप में आपको ₹7,200 से ₹31,500 के बीच में पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो कैटेगरी वाइज आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹600 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है और SC ST और PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल ₹100 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। यह आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका प्री एग्जाम, मेन ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 18 जून 2019 है। जी हाँ दोस्तों, कल से आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो वो 4 जुलाई 2019 है। फीस भी आप 4 जुलाई 2019 से पहले जमा करा सकते हो। ऑफिस असिस्टेंट के प्री एग्जाम की डेट है 17, 18 और 25 अगस्त 2019। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के प्री एग्जाम की डेट 3, 4 और 11 अगस्त 2019 है। मेन एग्जाम आपका 22 और 29 सितंबर 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.ibps.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से 1x1 करके रीड करनी है। पूरी डिटेल 1x1 केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पूरी डिटेल उसमें से रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ये इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से आप पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1x1 करके वीडियो पॉज करके या फिर इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके उसमें से पूरी तरह से रीड कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक प्रोवाइड कराई गई है, जैसे कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी पोस्ट के लिए क्या वेतन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस प्रकार से पूरी डिटेल यहाँ पर इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में दी गई है, जो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। पूरी डिटेल यहाँ से विस्तार पूर्वक रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन लास्ट डेट से पहले कर सकते हो।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए IBPS का ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। ये इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS का ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके माध्यम से आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन लिंक यहाँ पर 18 तारीख को एक्टिव कर दिया जाएगा, जिस पर क्लिक कर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूरी डिटेल एक्यूरेटली फिलअप कराते हुए लास्ट डेट से पहले पहले भरकर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग रिक्रूटमेंट्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।